Assalamu alaikum everyone, this is Kashif Fayyaz from ondesign. Today I'm going to show you how to create a real estate manipulation in Adobe Photoshop and give you some tips and tricks. So without any further ado, let's get started. वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिलेक्शन का मेथड होता है, सो मैं बहुत सी क्लासेस में मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगूंगा। जल्दी से हम सिलेक्शन बनाते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद जस्ट आपने कुछ ये एरिया रिमूव कर लेना है इस पिक्चर में से। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली एंड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट हमने इसको नाइट मोड में कन्वर्ट करना है ताकि कुछ ग्लोइंग इफेक्ट्स भी हम इसमें दे सकें। तो इसके लिए जस्ट कलर लुकअप टेबल में जाके तो डे टू नाइट कन्वर्ट एक लुकअप लगा दें एंड यू आर डन। मैं इस पिक्चर की टोनिंग को चेंज करना चाह रहा हूँ। सिलेक्टिव कलर में से मैं इसको येलोइश तरफ लेके जाऊँगा ताकि जब हम इसमें लाइटिंग करें तो कुछ येलो लाइट्स आएँ, और जहाँ जहाँ हमें ब्लूइश चाहिए होंगी वहाँ पे हम खुद से बना लेंगे, और कैसे बनाएंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। ओके देन जस्ट इसको येलोइश टोन देने के बाद मैं दोबारा से कलर लुकअप टेबल का अप्लाई कर दूँगा एंड उसके बाद जस्ट आप इन दोनों को क्लिपिंग मास्क कर दें बैकग्राउंड लेयर के साथ। उसके बाद जस्ट आप अपने सब्जेक्ट पे आ जाएं, इस पे भी हमने एक कलर लुकअप टेबल ही अप्लाई कर लेते हैं और वो होगी मूनलाइट। तो मूनलाइट अप्लाई करने के बाद उसको भी क्लिप कर दें सब्जेक्ट में ताकि ये हमारी इमेज को ख़राब ना करे, और इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम कर दें ताकि जो हमें नीड है जस्ट थोड़ा सा हमें ये शेड चाहिए, तो ज़्यादा हमें ये शेड नहीं चाहिए। उसके बाद एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर लें बैकग्राउंड पे ही एंड इसको मज़ीद डार्क कर दें ताकि ये बिल्कुल जो है तो नाइट मोड ही लगे। उसके बाद जस्ट अब जो मेथड्स हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप के ही हैं, तो स्टार्स की ये इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी, काफ़ी सारे आपने ट्यूटोरियल्स में ये देखी होगी। तो ये जस्ट आप सेट करके तो ब्लर में जाके मोशन ब्लर एंड जूम पे आप चेक लगा दें, और ज़रा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो बहुत बुरा लगता है। तो थोड़ा सा हमें ये अप्लाई करना है ताकि एक लुक बन जाए इमेज की। तो ये जस्ट अप्लाई करने के बाद आप सिलेक्टिव कलर में से इसकी टोन थोड़ी चेंज कर सकते हैं। मुझे ये ब्लूइश थोड़ी टोन चाहिए तो मैं इसको ब्लूइश की तरफ लेके जाऊंगा। तो जस्ट सियान और मजेंटास की वैल्यू आप इन कर दें एंड ब्लैक को हल्का सा ब्लैक को मूव करके चेक करें, जहाँ पर आपको सेटिस्फाइंग हुआ वहाँ पर आप इसको रोक दें एंड यू आर डन। ब्लेंडिंग मोड्स भी चेंज करके आप चेक कर सकते हैं कि अगर कहीं पे आप सेटिस्फाई हों और आपको अच्छा लग जाए तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद जस्ट अब हम हाइलाइट्स बना लेते हैं। कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन के से पहले ही हम हाइलाइट्स बना लेते हैं। तो ये सिलेक्शन मैंने पेन टूल के साथ कुछ इस तरीके के साथ बनाई है। अब जस्ट इसमें वाइट कलर फिल कर दें शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करके, तो कलर इसमें प्रेस वाइट कलर आप इसमें डाल दें। वाइट कलर इसमें फिल करने के बाद जस्ट आप इसके फेदर भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू दैट। सो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फेदर को हम कम कर दें तो कुछ इस तरीके की आपके पास लुक आएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फेदर को अगर कम करें तो कैसी लुक आएगी। तो फेदर को हमने कम किया है और आप देख सकते हैं कि इसको कम करने के बाद काफ़ी लाइटिंग सी इस तरह लग रहा है कि ये कहीं लाइटें लगी हुई हैं एंड सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो लाइट्स तो हमने बना ली, लेकिन अब ज़ाहिर है लाइट जब बन रही है तो सब्जेक्ट पे भी आएगी एंड सब्जेक्ट पे भी आएगी और आसपास भी थोड़ी थोड़ी लाइट होती है। तो वो सब कुछ हम इस तरीके के साथ करेंगे कि जस्ट ब्रश टूल लेंगे एंड सब्जेक्ट की जो हमने नाइट मोड वाली लुकअप लिया था उस पे हम उसके मास्क पे हम बस अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ब्रश टूल वाइट ब्लैक कलर के साथ एंड कुछ इस तरीके के साथ हम हाइलाइट्स बना लेंगे। सब्जेक्ट पे जब आप आएंगे तो आप सब्जेक्ट वाली लुकअप टेबल पे एंड जब आप बैकग्राउंड पे आएंगे तो बैकग्राउंड वाली लुकअप टेबल पे आप ब्रश टूल अप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ एडजस्टमेंट वगैरह एंड ये उसके बाद जस्ट हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है। तो मैंने प्लान सोचे थे कि
प्लैनेट्स अगर रख दिए जाएँ तो कैसे लगेंगे, तो काफ़ी कूल लग रहे थे तो मैंने प्लैनेट्स सिलेक्ट किए। तो इनकी एडजस्टमेंट भी आप अपने तरीके के साथ कर सकते हैं, जो प्लैनेट्स आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। प्लैनेट्स के अलावा अगर कुछ मून वगैरह या और कुछ आपको गैलेक्सी वगैरह या मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू दैट, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। जस्ट एक पोजीशन आपने सेट अच्छी करनी है और इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप प्लैनेट्स के कलर्स वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे ह्यू सैचुरेशन लेयर के साथ, सिलेक्टिव कलर के साथ। उसके बाद आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके तो बहुत कुछ प्ले कर पाएंगे। तो उससे पहले मैं एक न्यू लेयर लूँगा एंड कलर, जिस कलर की आपको लाइटिंग करनी है वो कलर आप दे दें, एंड इस तरीके के साथ आप बैकग्राउंड पे या अगर सब्जेक्ट पे भी आपको चाहिए तो आप कलरिंग कर सकते हैं। वाइट कलर सिलेक्ट करें एंड वाइट और ब्लैक जिस कलर का मास्क है उसकी इनवर्ट आप कलर सिलेक्ट करें एंड कुछ इस तरीके के साथ आप पेंट कर दे दें। तो स्टार्स की मैंने लेयर को डुप्लीकेट करके तो उसको भी स्क्रीन कर दिया है ताकि कुछ अच्छी लुक बन सके। तो वो भी मैंने एडजस्ट करने के बाद दोबारा से मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ एंड कुछ अच्छी लुक्स हमें प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ना देखा करें कि कैसी लुक्स आ रही हैं, जब कैमरा रॉ फिल्टर में आते हैं तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त लुक बन जाती है। तो कैमरा रॉ फिल्टर पे आके तो हम जस्ट अप्लाई करते हैं चीज़ें कलर्स वगैरह एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो जल्दी से मैं इसमें कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करता हूँ एंड फाइनल लुक लेके वापस आता हूँ। तो ये रही जी हमारी फाइनल लुक, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आज का ट्यूटोरियल और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। बी क्रिएटिव।